वेलकम बैक टू योर ऑन इंग्लिश लर्निंग चैनल। और आज ना हम क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है ना उसका फॉर्म फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज माय मदर एट 66। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये जो फॉर्म है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो कमला दास जी के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए, अबाउट द पोइट कमला दास जी के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो ना पोइट्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल मेक अनदर शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। ऑलराइट, तो आज जो हम अपनी फॉर्म को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा देख लो, ये क्या बोला गया है, जो हमारी कमला दास जी है ना वो काफी सेंसिटिव राइटर रह चुकी है। ठीक है, कैसे रह चुकी है, देखो बोला गया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे शी इज अ सेंसिटिव राइटर। सॉरी, जो हमारी कमला दास जी है वो एक सेंसिटिव राइटर रह चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो कैप्चर से कॉम्प्लेक्स सबप्लॉट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। क्या बोल रही है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो छोटी-छोटी बारीकियां भी होती है ना, वो भी इन्होंने काफी अच्छे से जो है शो की हुई है लिरिकल इडियम्स में। मतलब कि यानी कि जो हमारी पोम है वो भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी पोम को शुरू करते हैं। ओके, बिफोर यू रीड, तो बताया गया है एजिंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। एजिंग बोले तो बूढ़ा होना, क्या है तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है ना, कि हम चिल्ड्रन से टीनेज होते हैं, टीनेज से अडल्ट होते हैं, अडल्ट से ओल्ड होते चले जाते हैं। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस एज वी ऑल नो, राइट। देखो, हैव यू एवर थॉट, यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा जो है वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के बाद अपनी फॉर्म को। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सीन बता दूँ इस फॉर्म का, जिससे आपको जो है स्टार्टिंग में दिक्कत ना हो समझने में। देखो इसमें क्या बोला गया है कि हमारी जो कमला दास जी पॉइंट है ना वो अपनी माँ के बारे में, जो कि 66 एज की हो चुकी है, उनके बारे में बता रही है। तो ये जो पूरी फॉर्म है वो एजिंग के ऊपर बताई गई है, बूढ़े होने पर। ठीक है, और हमारी जो पोइट है वो सीन कुछ ऐसा है कि हमारी पोइट जो है वो कार ड्राइव कर रही है और अपने पेरेंट्स के घर से होते हुए वो कहाँ जा रही है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रही है। तो कब जा रही है, तो फ्राइडे की मॉर्निंग की। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग, तो लास्ट की जो फ्राइडे मॉर्निंग है, फ्राइडे की सुबह है, हमारी जो पॉइंट है वो कहाँ जा रही है, अपने पेरेंट्स के होम, अपने मम पापा के घर से होते हुए अब वो कोचिन की ओर जा रही है। कोचिन क्या है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देखिए अभी आपको मैं एक इमेज के जरिए दिखा देती हूँ, ये देखिए ये है हमारे कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहीं जो है हमारी पॉइंट जा रही है, कैसे जा रही है, तो कार में ड्राइव करते हुए। ठीक है, और उन्हीं के बगल में जो है उनकी माँ बैठी हुई है। तो क्या बोलती है, आई सो माई मदर बिसाइड मी। जब वो कार ड्राइव करते हुए जा रही थी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा। कैसे देखा, क्या देखा उन्होंने, देखो दोस्त, दोस्त का मतलब होता है झपकी लेना। चलिए एक बार दिखा देते हैं, दोस्त देखिए कुछ इस तरह से झपकी लेना। क्या होता है, कभी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या हो जाती है, झपकी आ जाती है। झपकी बोले तो थोड़ी सी नींद, आंख लग जाना है ना, तो उसी तरह से। और कभी कभी जो है कुछ लोग सो रहे होते हैं, झपकी भी ले रहे होते हैं ना, तो उनका मुंह जो है खुला रह जाता है। तो उसी तरह से हमारी पोइट की जो माँ है, मम्मा है, उनका भी जो जो क्या है, तो मुंह है वो खुला है। ठीक है, झपकी लेते टाइम। और बोला क्या गया आगे, हर फेस एशियन, एशियन का मतलब समझ लो पहले, एशियन का मतलब होता है राख, जो कि एक डेड बॉडी के मरने के बाद जो राख रह जाती है उसको बोला गया एशियन। लाइक डैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तो कॉप्स का मतलब होता है शव, शव बोले तो डेथ बॉडी। ऑलराइट, तो बताया गया है कि उनकी माँ का जो फेस है ना वो बिल्कुल एक शव की जो राख बच जाती है ना उसकी तरह दिख रहा है। मतलब क्या है, तो यहाँ पे डीप मीनिंग समझे तो उनकी जो मम्मा का जो फेस है वो बिल्कुल ही कैसा, एकदम फीका दिख रहा है, एकदम डल सा हो रखा है। क्यों हो रखा है, ड्यू टू एजिंग। देखिए उनकी मम्मा बूढ़ी होती जा रही है, 66 उम्र की हो चुकी है, और आगे और बूढ़ी होंगी वो, तो उनका फेस अब जो है चमक हटती चली जा रही है। तो वही बताया गया है हमारी पॉइंट ने अपनी माँ के बारे में। अब देखो आगे क्या बोल रही है, एंड रियलाइज विद पेन, और उन्हें दर्द के साथ ये महसूस होता है, क्या होता है, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही ओल्ड यानी बूढ़ी हो चुकी है जितनी की वो दिख रही है। ठीक है, ऑलराइट, बट सून, पर जल्द ही पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने जो वो विचार था यानी थॉट था जो वो सोच रही थी, क्या सोच रही थी वो,
कि उनकी मम्मा उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितनी कि वो दिख रही है। ये थॉट फटाफट से वो दूर करती है क्योंकि उन्हें दर्द महसूस हो रहा था उस बात को सोचते ही। क्यों हो रहा था वो दर्द महसूस? क्योंकि एक टाइम पे उनके जो लोग बूढ़े होते चले जाते हैं, एक टाइम पे वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑब्वियस है, एक बच्चा अपने माँ को लेके ऐसे सोच रहा है तो उसको तो काफी पेनफुल रहेगा, राइट? तो आगे चलते हैं एंड लुक्ड आउट। और इसी दर्द को छिपाने के लिए, हटाने के लिए हमारे पोइट जो है, जो कि कार ड्राइव कर रही है, वो बाहर की ओर दिखती है। लुक्ड आउट यानी बाहर की ओर देखना, लुक्ड बोलते देखने को और आउट मतलब बाहर, ठीक है? कहाँ देखती है, क्या देखती है? देखो, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि यंग ट्रीज जो है वो स्प्रिंट कर रही है यानी कि भाग रही है। यहाँ पे देख लो, स्प्रिंटिंग का मतलब बताया गया है, ये रहा। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? शॉर्ट पेस, फास्ट रनिंग, सॉरी रनिंग यानी कि छोटी दौड़, या फिर बोल रखा है दौड़ को। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पेड़ कैसे दौड़ लगा सकते हैं, तो इमेज के जरिए समझ लेते हैं, ठीक है, कि पेड़ कैसे दौड़ लगाते हैं। देखो, ये है पेड़ दौड़ लगा रहे हैं। ऑब्वियस है पेड़ दौड़ नहीं लगाते गाइस। जो जब कोई भी व्हीकल होता है चल रहा होता है तो वो चीजें पीछे छूट के चली जाती है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है हमारे जो पॉइंट है वो इतनी अच्छे से इन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रीज भाग रहे हैं यानी कि चीजें पीछे छूटती चली जा रही है। ऑल राइट, चलिए वापिस आते हैं। और क्या देखा उन्होंने? द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कि जो मैरी, मैरी का मतलब समझ लो एक्साइटेड या तो हैप्पी, बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, तो मैरी का मतलब क्या होता है? हैप्पी, है ना? तो उसी तरह से यानी कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे हैं, वो स्पिल हो रहे हैं। स्पिल का मतलब निकलना। तो वो क्या कर रहे हैं? होम से, अपने घरों से निकल रहे हैं बड़े खुशी से, ठीक है, भागते हुए खुशी से निकल रहे हैं। ये दो चीजें वो देखती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इससे पहले गाइस समझ लो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ट्री स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्यों जरूरी है? क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में ही हमारी पोइट ने जो अपनी माँ को नेचर के साथ यहाँ पर कंपेयर करा है। नेचर जो कि एक एनर्जेटिक है ना, और दूसरी ओर उनकी माँ जो कि अब एजिंग की वजह से उतनी एनर्जेटिक नहीं रही है। उतनी एनर्जेटिक का मतलब क्या है? उतनी एनर्जी उनमें अब नहीं रही है, थोड़ा डलनेस सी हो गई है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो बच्चे हैं वो इतनी उनके अंदर इतना जो है कॉन्फिडेंस है, इतना एनर्जी है कि वो भाग रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं। उनके मुंह पे, उनके फेस पे एक अलग ही रौनक है, चमक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टैंजा में हमारी पोइट ने अपनी माँ को किसके साथ तो कंपेयर करा है, तो नेचर के साथ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमारी जो, इस लाइन से पता लगता है कि हमारी जो पॉइंट है वो काम पहुंच चुकी है अब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पे, ठीक है। चलो, अब आप ये बात तो जानती होंगे कि एयरपोर्ट पे, अगर नहीं जानते तो समझिए कि एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है आपकी भी प्लस आपके सामान की भी। ऑल राइट, तो अब हमारी पॉइंट की जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग हो रही होती है, कुछ दूरी पर वो हमारी जो पॉइंट है वो खड़ी है, उनका सिक्योरिटी चेक हो रहा है। और वो कहाँ दिखती है? तो उनकी नजर फिर से अपनी माँ पे जाती है। कैसे दिखती है वो अब उन्हें? आई लुक अगेन एट हर, बोल रही है हर, मतलब हर का मतलब उनकी माँ के बारे में। अपनी माँ को वो फिर से देख रही है, कह रही है मैं अपनी माँ को फिर से देख रही हूँ। कैसे दिख रही है? वान पेल, वैन का मतलब क्या हो रहा है? देखो, वान का मतलब होता है कलरलेस। कलरलेस यानी कि जिसका रंग उड़ चुका हो चेहरे का, वो रौनक नहीं रही हो, ठीक है। ऑब्वियस है, किसी को भी आप एजिंग पर्सन को देखेंगे, अब उनके मुंह पे जो है झुर्रियां सी आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रिंकल्स बोलते हैं। तो अब उनका चेहरा उतना खुश मिजाज, ब्राइटनेस वाला नहीं लगता है, राइट? तो वही बताया जा रहा है, उनकी मम्मा का चेहरा एकदम पीला, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो पीला सा पड़ जाता है ना चेहरा, ठीक उसी तरह से एजिंग की वजह से उनका चेहरा जो है थोड़ा फीका पीला सा पड़ चुका है। अगेन, अब देखो यहाँ पे अगेन सेकेंड स्टैंजा में कंपेयर किया जा रहा है एज अ लेट विंटर्स मूड। यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में हमारी जो पॉइंट है अपनी माँ को कंपेयर कर रही है किससे? तो लेट विंटर्स मून से। देखो, लेट विंटर मून कैसा दिखता है? कुछ इस तरह से, देख रहे हो? ये हमारा विंटर, विंटर डोनेट करता है किसको? तो रिप्रेजेंट करता है कोल्ड को। और ये बात याद रखिए हमेशा कि पो में जो कोल्ड वर्ड है वो रेफर करता है डेथ को। तो वही बताया है पॉइंट ने, क्या बताया है देखो, कि लेट विंटर मून से अपनी माँ को अगेन कंपेयर कर रही है और कहती है कि जिस तरह से लेट विंटर मून में वो अब धुंधला सा दिखता है, लेट विंटर मून धुंधला सा दिखता है, ब्राइटनेस नहीं रही, उतना एनर्जेटिक नहीं रहे, इतना सुंदर नहीं रहा, उसी तरह से उसका माँ भी, उनकी माँ भी जो है वो कैसी नहीं रही? उतनी ब्राइटफुल नहीं रही है, उतनी एनर्जेटिक नहीं रही है, डलनेस हो गया है फेस पे, एक पीलापन से चढ़ गया है, कलरलेस फेस हो चुका है। तो पहले स्टेंजा में तो उन्होंने नेचर के साथ अपनी माँ को, और दूसरे स्टेंजा में लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया है। और दोनों में ही मेन जो फीचर देखा जा सकता है वो एजिंग का ही है। और राइट, जैसे जैसे ढलता जाता है एज, है ना, टाइम के साथ, वैसे वैसे
जो हमारी सुंदरता है वो धीरे धीरे ढलती चली जाती है ना। सुना है आपने जैसे कि, और ये ऑब्वियस प्रैक्टिकल बात है। आगे चलते हैं। एंड फेल्ट इट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे वही पुराना एक यानी कि दर्द महसूस होता है। देखो फेल्ट यहाँ पे फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, जिसका मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। तो वही पुराना दर्द, कौन सा दर्द है भाई? वो है माई चाइल्डहुड फेयर, जो हमारी पोइट यानी कमला दास जी का बचपन का फियर है, डर है, वही उनके अंदर आ जाता है और उससे उन्हें पेन फील होता है। क्या दर्द होगा? यही दर्द है कि बचपन में भी उन्होंने ये सोचा होता है, ऑब्वियस है, हर बच्चा सोचता है कि उनके पेरेंट्स एक दिन बड़े हो जाएंगे, बड़े होते होते वो बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन उनको जाना ही है, राइट? इस दुनिया से जो आया है, एज वी ऑलरेडी नो, नेचुरली वो उससे जाना ही होता है। तो वही जो फैमिली एक चाइल्डहुड फियर है कि एक दिन मम्मी को जाना है, पेरेंट्स को जाना है, डेथ हो जाएगी उनकी, वही उनको वापस से आ जाता है और उनको दर्द दे जाता है। बट ऑल आई से इट पास, बट एट द एंड ऑफ द पोम में देखो क्या कह रही है कि मैं इतना ही कह सकी, सी यू सून अम्मा। सी यू सून का मतलब क्या होता है? जल्दी मिलेंगे। यह बोल के वो अपनी अम्मा को क्या करती है, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं सिर्फ मुस्कुराती चली गई, मुस्कुराती चली गई और मुस्कुराती चली गई। मतलब कि यहाँ पर एट द एंड ऑफ द लाइन्स में हमारी जो पोम है वो अपने दर्द को छुपा रही है। तो देखो ये दो तीन लाइनें जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि मैंने बीच में आपको बता दिया। तो इस तरह से हमारी जो पोम है वो एंड होती है, ठीक है। तो फटाफट से रिकैप करें, तो रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जैसे कि बताया गया कि हमारी जो पोइट है वो जा रही है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर पेरेंट्स होम से होते हुए, और उनकी मम्मा साथ में बैठी है उनकी नेक्स्ट सीट पे, और कार ड्राइव कर रही है पोइट जब, तो अपनी मम्मा को देखती है किस तरह से उनका फेस जो है डल सा लग रहा है, मुंह खुला हुआ है जबकि ले रही है वो, और फिर वो कंपेयर करती है अपनी माँ को किसके साथ, तो ट्रीज के साथ जो भाग रही है, मैरिड चिल्ड्रन के साथ यानी खुश बच्चे जो भागते हुए बाहर आ रहे हैं एक्साइटिंगनेस से, और फिर किस तरह से वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और अपनी माँ को फिर से देखती है तो वही डलनेस पेननेस पाती है, ठीक लेट विंटर्स मून की तरह, और वही उनका चाइल्डहुड फियर जो है, डर जो है वो वापस से आ जाता है। और इसी दर्द को छिपाने के लिए, फेस पर एक्सप्रेस ना हो इससे छिपाने के लिए वो क्या करती है, तो सिर्फ और सिर्फ स्माइल करती है इस होप में, इस आशा में कि वो अपनी माँ को फिर से देख सकेंगी, उनसे फिर से मिल सकेंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल जो हमारी कमला दास जी ने पोम लिखी, बड़ी प्यारी पोम थी। देखिए ये तीन लाइनें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली कंपेरिजन जो किया गया है नेचर के साथ मम्मा का, ठीक है। दूसरा कमला दास जी ने जो लेट विंटर मून के साथ कंपेयर करा है, दोनों में ही अभी बताया मेन फैक्टर हमारा एजिंग ही है। और लास्ट लाइन भी ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, क्योंकि वो अपना कहीं ना कहीं उस दर्द को छिपाने के लिए और इस होप के साथ कि वो अपनी माँ को फिर से मिल सके। तो दिस इज ऑल, ठीक है, यही थी हमारी पोम जो हमने समझ ली है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी लाइन में, किसी वर्ड में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो किसी। और रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो हम वो अगली वीडियो में जो है कवर करेंगे गाइस, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। और किसी को समझना हो इस फॉर्म को अच्छे से तो आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप हमेशा ही हमारी वीडियोस ले सकें। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।